la bola! La 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 bola! Re la bola! La la! Batman! La 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 bola! Are kya kar raha hai yaar? Ball dhoondh raha hai hire moti. Jaldi karna. Ure left mein, ure left mein. भेजा तूने बॉल ले ले उसको बॉल छोड़ के दुनिया भर की सारी चीजें दिखती है बॉल के पैसे ऐसे मैं नहीं देगा रिजू असद मुन्ना क्या हुआ सांपिन देखा क्या नहीं सांप नहीं बहुत कुछ है किधर है अपने पास ना ही जमीन के लिए पैसा है और ना ही सोने के लिए इस समय तो ये वड़ा पाव ही बड़ी चीज है नदीम भाई अब किसकी किस्मत में क्या है क्यों है क्या कहें गफूर मियां ये तो सही बात गफूर चाचा गफूर चाचा अरे गफूर चाचा वो चिखल में लाश पड़ी है क्या पक रहा है पूरी तरह से जले लिए चाचा जल्दी चलो नदीम भाई आओ देखते हैं चलो 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 आओ आओ जल्दी आओ नदीम भाई इसका गेम बजाड़ा ला है किसी ने और जलाने की कोशिश की है बच्चों के खेलने के मैदान के पास एक लाश पड़ी हुई मिली आधी जली हुई लाश इस लाश में कभी जान थी और जहां जान है वहां जज्बात है आज हम आपको एक ऐसे मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हैं जहां हर सुराग एक अलग इमोशन में लिपटा हुआ मिल रहा था लेकिन इस केस के सारे सुरागों को पकड़ कर रखा हुआ था एक मेटल रॉड ने जी हाँ एक धातु की पट्टी बाजू बाजू चला बाजू बाजू पट्टी मारे पट्टी चला बाजू बाजू चलो साइड हो जाओ मोरे हो सर देखो पब्लिक क्या बोलती है बक तो जब हमने देखा क्या हुआ कहते हैं सर औरत है उम्र 65 के आसपास होगी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं चेहरा जला दिया गया है शायद जानबूझ कर शिनाख्त करना मुश्किल है सर फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो वहां से कोई सुराग मिल सकता है सर वही है 60 और 70 के बीच की औरत और कुछ मेरा मतलब जैसे कि पता चल सके कि विक्टिम कौन है एक क्लू है एक ये हमें विक्टिम की कमर से मिला है विक्टिम की कमर का हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हो चुका है बोन रिप्लेसमेंट ऑपरेशन में यूज होने वाले हर मेटल इम्प्लांट का एक यूनिक कोड होता है जैसे कि इसका भी है ये देखिए इस वक्त इस केस में आपके लिए यही एक सुराग है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के किसी डीलर से हमें इस मेटल रॉड पे लीड मिल सकती है सर जितने भी डीलर्स हैं सबकी लिस्ट निकालो और सबको फोन करना शुरू कर दो नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के डीलर्स को सबसे पहले कांटेक्ट करना लाश हमें यहां पर मिली है तो संभव है कि केस भी यहीं का हो हेलो प्रारंभ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स
जी सर। हाँ सर, मैं मैनेजर विश्वास आमंद। हाँ मैं आता हूँ सर, मैं अभी आता हूँ सर। हाँ विश्वास सावंत, ये रोड एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में इस्तेमाल हुई, हमें इसकी जानकारी चाहिए। साहब, ये प्रोस्थेसिस है, शरीर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला माल है, लेकिन हम लोग बाहर वाले माल में डील करते हैं, जैसे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। देखो डरो मत, बैठो। देखो, हमने तुम्हें कॉल सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी दुकान हमारे पुलिस स्टेशन के सबसे करीब थी। ठीक है सर, क्या पूछना है? हमें एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है, चली हुई। उसकी बॉडी के अंदर से हमें ये रोड मिली। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन कहाँ हुआ था और किसने किया था, ताकि हम उसकी आइडेंटिटी पता कर सकें। हाँ सर, समझा। सर, ये केल्ट सर्जिकल का माल है। काइन का ऑफिस? इसकी फैक्ट्री सूरत में है, गुजरात में। वहाँ पे एक फ़ोन करेंगे तो मुंबई के सारे डीलर्स का नाम बता देंगे वो, और उन डीलर को सर ये नंबर बताएंगे तो ये कौन सी हॉस्पिटल में सप्लाई हुआ आपको पता चलेगा। हेलो, केल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आप हिप रिप्लेसमेंट के रॉड बनाते हैं? हाँ बनाते हैं ना। मैं मुंबई से पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रकाश कानविंदे बोल रहा हूँ, अपने मैनेजर से बात कर रही हूँ। जली हुई लाश? जी हाँ, उसकी बॉडी में हमें हिप रिप्लेसमेंट वाला रॉड मिला है। समझ गया, आप रोड से लाश की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर? मैं आपको रॉड का सीरियल नंबर बता दूं। एक मिनट। केल्ट CCVL@RQT1432500956। सर, मुझे 20 मिनट दीजिएगा। वो क्या है कि पहले मुझे बैच सोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद उस डीलर को सोर्स करना पड़ेगा जहाँ से ये बैच निकला था। ठीक है। हेलो, मैं दर्शन अदरेसिया बोल रहा हूँ, केल्ट सर्जिकल्स सूरत से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केल्ट सर्जिकल ने हमें बताया कि इस नंबर का रोड आपकी दुकान में डिलीवर हुआ था 3 फरवरी 2013 को। सर, मुझे रिकॉर्ड चेक करना होगा कि ये रोड हमने किसे भेजा था। एक मिनट प्लीज। सर, ये रॉड हमने दानी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को भेजा था। डेट 25 मई 2013। सर, इनवॉइस की कॉपी मिलेगी? सर, ये रॉड 1 जून 2013 को यूज हुआ था। डॉक्टर तनवीर बेग की पेशेंट थी ये। किधर बैठते हैं डॉक्टर तनवीर बेग? फर्स्ट केबिन सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, ज़ाहिरा अंसारी, ये रही। ज़ाहिरा अंसारी, ऑपरेशन के दौरान उम्र 63 साल, 1 जून 2013 को ऑपरेशन हुआ। सर ऑनेस्टली, रोज कम से कम 2 सर्जरीज मैं करता हूँ, सारे पेशेंट याद नहीं है, और इस लेडी के बारे में भी कुछ कुछ याद है। पेसरवाड़ी सचदेव बोर से मार्ग अजलीपाड़ा, और रिश्तेदार का नाम है इधरिस इब्राहिम। हाँ याद आया, ये ऑपरेशन एक चैरिटेबल ऑपरेशन था, हम में से किसी भी डॉक्टर ने इसकी फीस नहीं ली थी। काफ़ी गरीब औरत थी, किसी ट्रस्ट वालों के पेशेंट। कौन सा ट्रस्ट डॉक्टर? सूफियान कमेटी, मतलब ये जो इधरिस इब्राहिम है इस लेडी का रिलेटिव, उसका एक बड़ा भाई है बशीर इब्राहिम, वो ये ट्रस्ट चलाता गरीब पेशेंट की मदद के लिए। अच्छा डॉक्टर, ये जो एड्रेस है यहाँ पर पेशेंट का, यही उसके घर का एड्रेस होगा? अब लिखा है तो होना ही चाहिए, वरना आप एक काम कर सकते हैं, आप सूफियान कमेटी वालों से चेक कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक लावारिस लाश को एक नाम मिल गया था, ज़ाहिरा अंसारी, उम्र 64 साल। उसकी हिप रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हुई मेटल रॉड ने एक तरीके से उसकी शिनाख्त की थी, लेकिन इसके आगे क्या? पुलिस को कैसे पता चलता कि इस सीनियर सिटीजन की हत्या किसने की थी और क्यों की थी? फिलहाल पुलिस को ज़ाहिरा अंसारी का नाम, उम्र, पता और आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम था। वैसे जानकारी काफी कुछ कह रही थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अनकही थी। जज्बात
और मजबूरी में लिपटी हुई थी। बशीर इब्राहिम कौन है? मैं हूँ सर, बशीर इब्राहिम। कहिए सर, क्या बात है? हमें ज़हीरा अंसारी के बारे में कुछ बात करें। ये ज़हीरा अंसारी का पिछले साल हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया था, लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हम उसे ढूंढ नहीं रहे हैं, हमें एक लाश मिली है जो शायद ज़हीरा की है। क्या, ज़हीरा की लाश? पिछले साल जो उनका ऑपरेशन हुआ था उसमें उनकी हिप रिप्लेसमेंट में एक रोड का इस्तेमाल हुआ था। याद है मुझे, ऑपरेशन हुआ था उनका, उससे हमने हॉस्पिटल खोजा, वहाँ से हमें उनका नाम पता चला, वहीं से हम तुम्हारे पास आए। लाश मिली, मतलब ये मरी कैसे ज़हीरा भी? सर, उनका मर्डर हुआ है बशीर, लाश को बुरी तरह से जलाकर फेंक दिया गया ताकि कोई पहचान न सके। ऐसी गरीब बूढ़ी औरत को कोई क्यों मारेगा सर? यही तो हम भी जानना चाहते हैं बशीर। देखो, ज़हीरा के बारे में जितनी भी जानकारी है तुम्हारे पास हमें सब चाहिए। बिल्कुल सर, ये ज़हीरा अंसारी यहीं पास में रहती थी काफ़ी सालों से, अजलीवाड़ा में, हर कोई जानता है उसको। बूढ़ी औरत थी, गरीब थी, अकेली थी, इसलिए जब वो मदद के लिए आई हम लोगों ने ऑपरेशन करा दिया बेचारी का। अकेली रहती थी तो फिर गुजारा कैसे होता था उनका? वो सर कचरा जमा करने का काम करती थी। साले कीड़े पड़े तुम लोगों को, एक कप चाय क्या पिला दी, इतनी बातें सुना दी, कमीने कुत्ते। अरे मैंने कितनों को चाय पिलाई थी, कितनों को चाय पिलाई थी, चाय वाली भाभी नाम पड़ गया था। एक बुढ़िया को एक चाय नहीं पिला सकते थे लोग, कमीने साले साले। सर वो इधर अजलीपाड़ा चाल नंबर 2 में रहने की, अब एकदम वो चाल नंबर उम्र याद नहीं मुझे, लेकिन आप वहाँ किसी को भी पूछ लीजिए, हर कोई जानता है ज़हीरा अंसारी को। सलाम साहब, ये ज़हीरा अंसारी कहाँ रहती है? ज़हीरा अंसारी, ओ ज़हीरा भी, वो आगे दाहिने वाली गली में आखिरी खोली उसी की है साहब, लेकिन लगता है कहीं बाहर वार गई है, 10-1 दिन से दिखी नहीं। बात क्या है साहब? तुम्हारा रोज का मिलना होता है उससे? रोज का सरदर्द बोलो साहब, अब रोटी खवाती नहीं तो कोई कुछ बोलता नहीं, जबान पे लगाम नहीं उसका, पारा हमेशा चढ़ा हुआ, पूरे मोहल्ले में सबसे पंगे लेती है। अबे ओ कादिर के बच्चे, एक बूढ़ी औरत को ऐसा खड़ा करने में तुझे मजा आता है क्या? नालायक, तेरे माँ बाप ने यही तभी सिखलाई तुझे। एक तो तुम मेरा फोकट में पान खाओगी और मैं तुम्हारी गालियाँ खाऊँ फोकट में सुबह सुबह। फोकट में गालियाँ दे रही हूँ? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जब बिना वजह के गालियाँ दूँ। 15 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े खड़े, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। अबे कछुए की औलाद, तू पान बना रहा है या ताजमहल बना रहा है अपनी उस काली बेगम के लिए? जरा भी दे, जल्दी से पान दे। बस वही वाली गली में साहब, उसका पड़ोसी है मंसूर कुरैशी, उसने तो ज़हीरा भी के बारे में मिसिंग कंप्लेंट भी करवाई पुलिस स्टेशन में। जी, मंसूर कुरैशी का? वो तो काम पर गए हैं। कहाँ काम करता है वो? मारूफ भाई के कसाई खाने में। क्या हुआ साहब? मारूफ की दुकान कहाँ पर है? बस यही 2 मिनट पर है। मंसूर है? यस सर। ले आओ मंसूर कुरैशी। कुछ तो बताइए ना साहब, आखिर बात क्या है? ये ज़हीरा अंसारी का घर कब से बंद है? 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चली गई है, इन्होंने तो रपट भी लिखाई है। प्रकाश, ताला तोड़ दो। इसीलिए कोई इसके पास नहीं जाता है साहब, इतनी गंदी बदबू आती रहती है हमेशा, दुनिया भर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करती है, ऊपर से किसी को कुछ नहीं बताती है कि ये सब क्यों कर रही है।
हमने कितने कचरे वाले देखे हैं, पर ये फर्स्ट टाइम है। इतना सारा कचरा इकट्ठे करके रखा है जैसे ये कोई कचरा कोई कचरा डंप हो। सर घर में एक ही दरवाजा है, ना टॉयलेट है ना किचन, ना बैठने की जगह है ना सोने की जगह। तो फिर ये खाना कहाँ बनाती थी, सोती कहाँ होगी? साहब मैं मंसूर कुरैशी, आपने बुलवाया साहब? हाँ, तुमने ज़हीर अंसारी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ जी, क्या कुछ पता चला? हमें उनकी लाश मिली है जी। हाँ, हमें उनकी जली हुई लाश मिली है, चेहरा पूरी तरह से जल चुका है, पर हमें उनकी कमर में मेटल लोड, मेरा मतलब है कि सरिया मिला है जो ऑपरेशन के दौरान डाला गया था। हाँ हाँ साहब, पिछले साल ही ज़हीरा बी का ऑपरेशन हुआ था दानिया हॉस्पिटल में। जी हाँ, दानिया में हम लोग गए भी थे उनसे मिलने के लिए वहाँ पर। सब दिख तो वैसी रही है ज़हीरा बी जैसी। मंजूर, इस बात के पूरे चांस हैं कि ज़हीरा अंसारी का कत्ल हुआ है, तुम्हें किसी पर शक है क्या? ज़हीरा बी को कोई क्यों मारेगा, वो तो कचरा उठाती थी। यही तो हम भी सोच रहे हैं कि 64 साल की कचरे उठाने वाली को भला कोई क्यों मारे, उसकी दुश्मनी तो थी नहीं किसी के साथ। अच्छा, उनका कोई रिश्तेदार? उनका शौहर था इरफान अंसारी, पर वो तो कई बरसों पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, तकरीबन 8-9 साल पहले। उनकी एक बेटी है फौजिया अंसारी, उनका शौहर है लतीफ, और ये दोनों दिल्ली में रहते हैं साहब, पर यहाँ आए हुए बरसों हो गए। किसी के साथ कोई दुश्मनी हुई हो, कोई झगड़ा पहले का या अभी? देखा जाए तो सारे ज़माने से दुश्मनी थी ज़हीरा भी, एक नंबर की सटको औरत थी साहब। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब वो किसी के मुंह न लगी, और जब वो मुंह खोलती तो कचरे से ज्यादा बदबूदार उसकी गालियां होती थी साहब। अरे अरे ज़हीरा भी क्या कर रही है? अपना काम कर रही है और क्या। अरे पर ये कचरा नहीं, मेरे काम की चीज है। अबे काम की चीज है तो सड़क पे क्यों डाल रखी है, सुखा कर अचार डालेगा क्या? अरे ये सड़क पर थोड़ी है, और ये सड़क नहीं है भाई, ये तेरे बाप की जमीन है क्या, ये सड़क ही है। ज़हीरा भाई इसमें मेरे काम की चीज है, मुझे वापस दे दो, इनका अच्छा नहीं होगा। तू मुझे हाथ लगाएगा, मुझे हाथ लगाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, हाथ लगा के देख मैं तेरा क्या हाशर करती हूँ, 2 टके का मच्छर लगा के देखा, साला कुत्ता तक कमीना। तो ये चाय है या गटर का पानी? दूसरी चाय बना, ताजे दूध की इलायची डाल के। एक तो फोकट में चाय पीती है, मेरी चाय को गटर का पानी बोलती है, खुद गटर में पड़ी रहती है तू पूरा दिन। क्या कहा, मैं गटर में पड़ी रहती हूँ? अबे कमीने कुत्ते, गटर में तो तू पैदा हुआ था, तेरा सारा खानदान गटर का कीड़ा, नाली का कीड़ा। एक चाय क्या पिलाई है, एहसान जता रहा। अबे एक चाय में क्या तेरा बंगला बन जाएगा, या गटर से उठ के तू बड़ा साहब बन जाए? नहीं पीनी मेरे को चाय तेरी, भाड़ में जा तू और तेरी चाय। हाँ बड़ा आया तो साला कुत्ता, देख चाय के लिए इतनी बातें सुना। फिर से खिचड़ी? अरे तेरा शोहर तेरे को 2 थप्पड़ नहीं लगाता, रोज रोज खिचड़ी बना देती, अलसी कहीं। ये लीजिए। वाह कबाब, क्या बात है, आप ही का इंतजार कर रही थी। ले इसे गर्म करके ला दे। क्या, अरे ठंडे कबाब कोई खाता है क्या, कुत्ता समझा है मुझे। अच्छा बाबा लाती, जल्दी कर बेवकूफ। पूरी चौल, पूरा मोहल्ला ज़हीरा भी से परेशान तो था, पर इतना नहीं कि कोई उसकी जान ले ले, बस किसी को उसकी गालियां नहीं सुननी थी सर, इसीलिए उसकी मनमानी चलती थी बिगड़े हुए बच्चे की तरह, पर दिली दिल में सबको तरस भी आता था उस पर। जब ज़हीरा अंसारी गायब हो गई थी तो बड़ा सुकून मिला होगा मोहल्ले को, रोज रोज की गाली गलौज जो बंद हो गई थी। मुंबई जैसे शहर में शांति मिलना मतलब रेगिस्तान में पानी मिलने के बराबर है, यहाँ तो जिंदगी साहब जब जब निकल जाती है, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। मेरी पड़ोसन थी इसलिए थोड़ा अटपटा सा लगा था, इसलिए मैं सीधा साहिर मसूद के पास चला गया, और फिर जाके पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। साहिर मसूद कौन है? हमारी चौल के सोशल वर्कर जैसी हैं सर, मतलब किसी का कागज पत्री का काम हो, पुलिस स्टेशन का लफड़ा हो, वो सबकी मदद करते हैं, खुदा के बंदे हैं। ज़हीरा अंसारी की जो खोली है ये उनके नाम पर थी या फिर किराए की थी? सर जहाँ तक मुझे पता है ये उनकी है, खुद की खोली, एक शादीशुदा बेटी जो दिल्ली में रहती है, इस सब के बाद भी वो कचरा चुनने का काम करती थी, भला क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? कोई उसे मुंह लगना ही नहीं चाहता था, पता नहीं कब
गालियों की बमबारी शुरू कर दे। ज़ाहिर अंसारी की बेटी फौजिया, उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर। अब पूरी तरह से साबित हो चुका था कि पुलिस की कस्टडी में जो वृद्ध महिला की आधी जली हुई लाश थी वो वाकई में कचरा चुनने वाली ज़ाहिरा अंसारी की थी। अब सवाल यह था कि कोई इस महिला को क्यों मार डालेगा। जैसे जैसे इस केस की छानबीन आगे बढ़ी, पुलिस को बारी बारी से बहुत सारे शॉक्स और सरप्राइजेस मिलने लगे। ये एक अजीब और अनोखा केस साबित होने जा रहा था। सर, ज़ाहिरा अंसारी की बेटी फौजिया इमामी को इन्फॉर्म कर दिया, वो कल पहुंच रही ट्रेन से। प्रकाश, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि कोई ऐसी औरत को जान से मारकर उसकी लाश को आधी जलाकर ऐसी फेंक दे। कुछ और है इस केस में। तुम एक काम करो, तुम सोशल वर्कर साहिल मसूर से मिलो, जिसे मसूर की हेल्प की थी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने में। वो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा इस औरत के बारे में। सर, प्रकाश, ज़ाहिरा के घर की फिर से तलाशी लो, हर जगह ढूंढो, सब कुछ ढूंढो। ओके सर। एक बैग मिला है, पासपोर्ट है उसमें। इरफान अंसारी का पासपोर्ट, ज़ाहिरा अंसारी का शौहर, 12 साल पहले का वीजा भी लगा है ओमान का, ये भी मिला है। ज़ाहिरा अंसारी का बैंक पासबुक, सर ये देखिए। सर ये ज़ाहिरा के शौहर का पासपोर्ट और ये बैंक पासबुक, अकाउंट में लगभग 50,000 रुपए हैं और ये लगभग 5,000 कैश मिला। एक कचरा चुनने वाली औरत, लोगों से मांग मांग कर खाने वाली औरत के पास इतना पैसा, वो भी बैंक अकाउंट। सर मैं साहिर मसूद, अजलीपाड़ा में सोशल वर्कर हूँ। सर आपने बुलाया? सर ज़ाहिरा अंसारी के बारे में सुना होगा तुमने? हाँ सर, अभी सुना। अच्छी तरह से जानते थे उसे? अच्छी तरह से तो कोई नहीं जानता था उसको। आपने सुना होगा साहब, थोड़ी सटकू औरत थी, बुरी औरत नहीं थी लेकिन हाँ थोड़ी अलग थी। कोई उसे ठीक से नहीं जानता था, वो लोगों को गालियाँ देती थी, फिर भी लोग झेलते थे उसे। सर ये कहानी का एक पहलू है, इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। और वो क्या है? और वो ये है सर कि ज़ाहिरा अंसारी एक बहुत मालदार औरत थी और दिलदार भी। मालदार? तुम ज़ाहिरा अंसारी की बात कर रहे हो ना, वो कचरा चुनने वाली ज़ाहिरा अंसारी? हाँ सर, मैं ज़ाहिरा अंसारी की ही बात कर रहा हूँ। दरअसल वो एक किस्म की जादूगरनी थी, जब भी किसी को कुछ ज़रूरत होती थी ना, वो सबके काम आती थी। चाहे किसी गरीब लड़की की शादी हो, किसी को हज पे जाना हो, या फिर किसी बच्चे का बर्थडे मनाना हो, वो बराबर सबको पैसा देती थी। और लोन नहीं सर, डोनेशन। ज्वेलरी का बहुत शौक था उसको और बहुत था उसके पास, बिंदास पहन के घूमती थी। मैं जब भी उसको देखा ना, उसकी बॉडी पर गहने होते थे और एकदम असली वाले। और तो और सर, उसने लोगों को घर तक खरीदने के लिए पैसे दिए हुए थे। तुम कह रहे हो कि उसके पास काफी पैसा था, काफी ज्वेलरी थी, फिर उसने क्यों सुफियान कमेटी अगली पाड़ा के सामने अपने खुद के ऑपरेशन के लिए हाथ फैलाए? क्यों डॉक्टर ने उसे एक गरीब पेशेंट की लिस्ट में डालकर उसका ऑपरेशन किया? हो सकता है सर उस वक्त उसके पास पैसा ना हो, वक्त बुरा चल रहा होगा, लेकिन हाँ उसकी दिलदारी के बारे में हर एक इंसान जानता था, इसके लिए ही सुफियान कमेटी ने उसकी मदद की होगी। उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे सर, मतलब उन्होंने बोल दिया कि नहीं है तो हम लोगों ने भी मान लिया कि नहीं होंगे। आप लोगों को पहले से मालूम था उनकी दिलदारी के बारे में? अरे सर वो हमारे जमात में बहुत दूर दूर तक मशहूर थी, काफ़ी लोगों की मदद की थी उसने, इसलिए जब उसने बोल दिया कि उसको मदद चाहिए, हम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा, सीधा हाँ बोल दिया।
जहरा भी चाय बने कुछ? बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनवा दे और साथ में कुछ खाने को भी। हाँ जरूर। है रफीक, दानिया अस्पताल का डॉक्टर है ना, कह रहा था जाहिरा भी तुम्हारी कमर निकाल कर नकली कमर लगवा देंगे। देखो ना आजकल क्या क्या होता है। हाँ ये आपका ये फ्रैक्चर हुआ है ना? हाँ वो सब ठीक कर देंगे, सलिया वलिया घुसाते हैं लेकिन एकदम सही हो जाता है सब। अरे फिर से एकदम कड़क चलने लगोगे इंशाल्लाह। मगर कमबख्त कड़क रोकड़ा भी मांगते हैं, पूरे 1.5 लाख का खर्चा है और आजकल अपनी कड़की चल रही है। सुन रहा तू बोर्ड से बात करके मेरी मदद करवाएगा? अरे जाहिरा भी आपको ना कौन बोलेगा, आप खुद एक ट्रस्ट की तरह काम करती आई हैं। तब पैसे थे दिल किया दे दिया, मगर जिनकी भी मदद की ना कमबख्त खुद कर्ज दे, साले कुत्ते कीड़े पड़े उनको। बस ये इसी तरह गालियां दे दे कर आप लोगों की मदद कर दी है। अरे लोगों को मार गोली। तू मेरा काम करेगा कि नहीं पहले ये बता। नहीं जरूर करूंगा, बस ये 2 दिन में बता दूंगा आपको। ठीक है। इतने सारे पैसे, इतने सारे गहने, फिर तो काफी साफ हो जाता है कि ये मर्डर पैसों के लिए हुआ होगा। हाँ सर मुझे भी लगता है यही हुआ होगा, लेकिन मुझे या कभी किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये औरत कचरा क्यों उठाती है। इतनी मालदार औरत थी, मतलब अब मैं क्या बोलूँ। ये हमारे ट्रस्ट की एक बिल्डिंग आ रही थी, काफ़ी लोग उसमें फ्लैट ले रहे थे, जाहिरा भी को भी उसमें फ्लैट लेना था। क्या फ्लैट आज के ज़माने में? अरे वही तो सर, ताज्जुब तो मुझे भी हुआ, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे समझाऊँ उन्हें। बशीर बेटा सुन तो, बशीर रुक तो सही। क्या बात है जाहिरा भी? सुना है ट्रस्ट की इमारत आ रही है? हाँ सही सुना है। मुझे भी एक घर चाहिए, कितने में आएगा? अरे जाहिरा भी बिल्डिंग में फ्लैट कोई फिरनी मालपुआ नहीं है जो ईद के दिन खरीद के खा लिया जम के। फिर भी बता तो सही कितने में आएगा? सर मैंने बस ऐसे ही उसको एक हिला देने के इरादे से बोल दिया कि 20 लाख बिना कुछ सोचे। और 20 लाख में उन्होंने फ्लैट ले लिया? नहीं सर वो तो वहीं पे तकाजा करने लगी। 20 लाख? तौबा तौबा ये तो बहुत ज्यादा है। वही तो बोल रहा था मैं आपसे कि रहने दो, कुछ तो कम करो। कम करो मतलब कितना कम करो और क्या होगा उससे? जाहिरा भी देखो बात यहाँ पे लाखों की हो रही है। मुझे मत सिखा प्रॉपर्टी के भाव, जहाँ पर तुम्हारी इमारत आ रही है ना उसके हिसाब से 16 लाख में होना चाहिए। ये 16 लाख तुम लाओगी कहाँ से? करती हूँ इंतजाम। 16 लाख कहाँ से लाओगी? अरे जाहिरा भी यहाँ पर कोई कूड़ा कचरा देने की जरूरत नहीं है, आप तशरीफ लेके बाहर चली जाइए। देखो किसने कहा मैं यहाँ कचरा लेने के लिए आई हूँ, अपने औकात में रहे नहीं तो दिखा दूंगी तू कहाँ से आया। मॉर्निंग डॉग कहेगा। अरे जाहिरा भी क्यों सुबह सुबह, जाओ ना अपने घर जाओ ना। घर ही तो खरीदने आई हूँ लल्लू, तू बुलाता है बशीर को या मैं आवाज दूँ जोर जोर से? अरे, अरे, बशीर, अरे ओ बशीर, बशीर, बशीर। जाहिरा भी मैंने बोला था कल आपसे बहुत ज्यादा कीमती है। पैसे लाई हूँ साथ में। लाई हूँ मतलब? चलो चलो गिनना शुरू कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, हजारों काम है, पूरे 16 लाख है। अरे जल्दी। नोटों की हालत बहुत बुरी थी सर, कुचले हुए मैले नोट थे, तो सारे असली, सभी नोट असली थे। 16 लाख थे सर पूरे। मतलब सोने के जेवर रेडी कैश के साथ साथ उनके पास एक फ्लैट भी था। इस सब के बावजूद वो 10x10 की खोली में रहती थी, जहाँ कोई आदमी 10 मिनट रुक भी नहीं सकता। वो फ्लैट तो उन्होंने 2 साल पहले ही बेच दिया था सर, 16 में हमसे लिया और 18 में बेचा। वो बेचने के लिए मैंने ही उनकी हेल्प की थी, उस वक्त उनको पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी सर। क्या जरूरत? बशीर हमें बताओ उन्होंने अपना फ्लैट क्यों बेचा, उन्हें पैसे की क्या जरूरत थी? बशीर हमें बताओ उन्होंने अपना फ्लैट क्यों बेचा, उन्हें पैसे की क्या जरूरत थी? दरअसल जाहिरा भी का गाँव यूपी में है, तो वहाँ की मस्जिद ट्रस्ट लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही थी कि उनके गाँव में एक शानदार मस्जिद बन सके। तो जाहिरा भी ने अपना फ्लैट बेच दिया और सारे के सारे 18 लाख एक एक पाई को मस्जिद बनाने के लिए दे दी। अब जाहिरा भी की ये दिलदारी देख के उसके गांव, आस पड़ोस के गांव सभी लोगों ने एकदम दिल खोल के डोनेशन किए सर। किसी हिंदी फिल्म की स्टोरी लगती है, ऐसा भी होता है क्या?
सर अगर लोग मसाला लगाकर भी कह रहे हैं और उसके पास कुछ सोने के गहने और थोड़ा बहुत भी कैश होता तब भी मर्डर होना पॉसिबल है। सोचो अगर ये 16 लाख रुपए वाली बात सही है तो ये औरत इतना सारा पैसा इतना सारा जेवर छिपाती कहाँ थी? इतना तो पक्का है कि खूनी हाइडिंग प्लेस को जानता था। मंसूर मियां, कुछ पता चला ज़ाहिरा के बारे में? पुलिस वालों ने कुछ बोला? हमें क्या मालूम है, पुलिस को हमें जितना पता था हमने सब कुछ बता दिया। वो साहिर है ना सोशल वर्कर, पुलिस उससे भी पूछताछ जरूर करेगी। देखो कब और कैसे पुलिस को कातिल हाथ लगता है, इतना बड़ा शहर, इतने सारे लोग। फौजिया जी, सोशल वर्कर साहिल और ज़ाहिर अभी के पड़ोसी मंसूर ने शिनाख्त की है इनकी। इन दोनों का कहना है कि आपकी माँ ज़ाहिर अंसारी ही, लाश आधी जल चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें इनकी कमर में एक सरिया मिला जिससे केस शुरू हुआ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सालों से ज़ाहिर अंसारी कचरा चुनने का काम करती थी, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि ये काफ़ी अमीर थी, लोगों को दान देती थी। आपको कुछ कहना है इस बारे में? जिस बारे में मालूम ना हो उस बारे में चुप रहना ही बेहतर है। आप अपनी माँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हैं क्या? मेरे अब्बा की दूसरी बीवी थी ज़ाहिरा अंसारी। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बा छोटी अम्मी से, अब मेरा मतलब है ज़ाहिरा अंसारी से मिले। तब तक मैं बालिग हो चुकी थी। मेरी शादी के कुछ साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद कभी कभार ही मिलना वगैरह होता था और अब्बा के इंतकाल के बाद समझिए ना के बराबर। खानदान में किसी के साथ कोई दुश्मनी या कुछ और? सर सर हम लोगों को फुल डाउट मिराज हैदर पर है सर। ये मिराज हैदर कौन? अपने मोहल्ले का एक चैप्टर है सर। पिछले कुछ हफ्तों से ज़ाहिरा बी के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार रहा था। ये मिराज हैदर भी कचरे वाला है क्या? एक तरीके से हाँ सर, ये मिराज हैदर भी कचरे वाला ही है। बस फर्क इतना है सर, ये कसाई खानों और होटलों से माल इकट्ठा करता है। सर ये मिराज हैदर गोश्त की हड्डियाँ और चर्बी इकट्ठा करके बेचता है। किसको बेचता है? एक हड्डी को डीलर है सर, उसको ही बेचता है। ज़ाहिराबी का पड़ोसी मंसूर कुरैशी वो कसाई है, वो भी जानता है इस मिराज हैदर को। ये मिराज घंटों बैठा रहता ज़ाहिराबी की खोली में, पता नहीं क्या बातें करते दोनों। ये मिराज हैदर रहता कहाँ? वहीं सर, उसी चौल में, बस बाजू वाली गली में। मिराज कहाँ? साहब वो घर पर नहीं है। कहाँ मिलेगा? मेरे शौहर मुंबई के बाहर गए हैं। उस जगह का कुछ तो नाम होगा। सबडोली गांव, जिला हिसवाद, वहाँ एक बाबा की दरगाह है, वहीं गए हैं। मैंने कहा ना कि वो घर पर नहीं है। कचरे वाली ज़ाहिरा भाई के काफी करीब था तुम्हारे पति? जी वो मुझे नहीं पता। दरगाह कब से गया? 5 दिन पहले। उसका मोबाइल नंबर? जी वो तुमने डायल केलेला नंबर बंद आहे। स्विच ऑफ सर। 5 दिन से दरगाह में क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं लौटा? कुछ काम वाम नहीं करता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिराज खुद बाबा बनकर गायब हो गया? मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ भी नहीं पता।
5 दिन से दरगाह पर बैठा है, वो वहाँ पर दुआ के लिए नहीं बल्कि छिपने के लिए गया है प्रकाश। तभी उसका मोबाइल भी बंद आ रहा सर। शायद हमें सगडोली गांव जिला हिसपात जाना ही पड़ेगा। प्रकाश, अगर उन बच्चों को लाश नहीं मिलती तो किसी को पता भी नहीं चलता ज़हीरा के बारे में। राइट सर। लेकिन लाश को यहीं फेंकने का कोई खास कारण भी तो हो सकता है। हत्यारे ने लाश को यहीं क्यों फेंका, कहीं और क्यों नहीं? सर शायद कत्ल यहीं हुआ होगा और कातिल भी आसपास का होगा। मिराज हैदर यहीं का है और 5 दिन से शहर से बाहर, और हमें लाश भी 5 दिन पहले मिली सर। प्रकाश, ये भी तो हो सकता है कि हत्यारा हमें लाश मिलने का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही उसे हमारी तहकीकात का एंगल पता चलेगा वो चुपचाप शहर से निकल लेगा। सर ये भी तो हो सकता है कि मिराज हैदर गायब हुआ नहीं, करवाया गया। कुछ तीसरा या चौथा भी तो हो सकता है। आखिरकार कचरे वाली पैसे वाली भी तो थी। क्या वाकई में मिराज हैदर ने ज़ाहिरा अंसारी का कत्ल किया था? ये आधी जली लावारिस लाश वाला केस काफी आगे बढ़ चुका था। एक सर्जिकल इम्प्लांट की बदौलत इस लाश की शिनाख्त हुई थी। ये लाश थी 64 वर्षीय ज़ाहिरा अंसारी की। इस केस में पुलिस को एक अजीबोगरीब बात भी पता चली थी कि ये कचरा इकट्ठा करने वाली औरत जो दलिद्री की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी दरअसल पैसे वाली थी। उस पुलिस स्टेशन ने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। इस केस में पुलिस को एक के बाद एक शॉक्स मिलते रहे। क्या पुलिस मिराज हैदर तक पहुंच भी पाई, या फिर क्या ये मिराज हैदर वाला एंगल पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास था? कल रात 11 बजे हम आपको दिखाएंगे इस अनोखे और अविश्वसनीय केस का दूसरा और आखिरी भाग। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links below and enjoy watching the videos.